अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज का लेक्चर नंबर 13 है, 500 एमसीक्यू सीरीज एंड अकाउंटेंसी का लेक्चर नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 361 से स्टार्ट है। हर एक लेक्चर में 30 क्वेश्चंस होते हैं और 12 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर चुका आपने यूट्यूब चैनल पे। आप जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं एमसीक्यू ऑन अकाउंटिंग सीरीज। चलो शुरू करते हैं। विच द फॉलोइंग इज अ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में से कौन सा है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, शेयर कैपिटल, डेवेंचर्स या ऑल ऑफ द अबव। बिल्कुल इसका सी पार्ट है, डेवेंचर्स लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कौन सी होती है? जो हमने पे करने होते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड, मोर देन वन ईयर। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी कौन सी होती है? जो हमने पे करने हैं विद इन वन ईयर। तो सी पार्ट इसका आंसर है। ड्राॅइंग इज अ टाइप ऑफ, ड्राॅइंग क्या होता है? ड्राइंग होता है जो बिजनेसमैन पर्सनल यूज़ के लिए कुछ पैसे या कुछ एसेट्स निकालते हैं बिजनेस से, दैट इज़ कॉल्ड ड्राइंग। क्या है? एक्सपेंस है, विड्रॉल ऑफ कैपिटल या इनकम। एक तरह का एक्सपेंस होता है, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, एक विड्रॉल ऑफ कैपिटल सॉरी या एक विड्रॉल ऑफ कैपिटल होता है। कैपिटल का विड्रॉल करना फॉर पर्सनल यूज़, बिजनेस मैन निकालता है बिजनेस में पर्सनल यूज़, दैट इज़ ड्राइंग। बी पार्ट इसका आंसर है। प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ इनकम, ओनर्स कैपिटल, एसेट्स, ऑल ऑफ द अबव। प्रॉफिट किसका पार्ट होता है? इनकम, ओनर्स कैपिटल, एसेट्स। आपको लग रहा है कि ईजी है लेकिन कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, अगर आपको आता है तो आंसर कीजिएगा। प्रॉफिट किसका पार्ट होता है? इनकम, ओनर्स कैपिटल, एसेट्स, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है एक ओनर्स कैपिटल का प्रॉफिट होता है। एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। पी टी कैश यूज फॉर पेमेंट्स ऑफ, पी टी कैश हम किस लिए यूज़ करते हैं? सैलरीज एंड वेजेस ऑफ स्टाफ, पर्पस ऑफ एसेट्स, स्मॉल एक्सपेंस रिलेटेड टू पोस्टेज एंड कन्वीनियंस एक्सेट्रा। आपने पढ़ा होगा पी टी कैश क्या है। पी टी कैश जो हम स्मॉल एक्सपेंसिस रिलेटेड पोस्टेज एंड कन्वीनियंस के लिए यूज़ करते हैं पी टी कैश, दैट इज कॉल्ड पी टी कैश बुक। स्मॉल एक्सपेंस वगैरह इसी में हम पेमेंट और रिसिप्ट इसी में रिकॉर्ड करते हैं। प्रोमिसरी नोट इज प्रिपेड बाय, प्रोमिसरी नोट कैसे प्रिपेयर करते हैं? ड्रायर, इंडोस, ड्रावी या ऑल ऑफ द अबव। बिल्कुल ए पार्ट, ड्रायर प्रॉमिसरी नोट प्रिपेयर करता है। साइन कौन करता है? पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन जिसने लिया है। विच रिजर्व इज नॉट शोन ऑन द बैलेंस शीट, कौन सा रिजर्व बैलेंस शीट में हम शो नहीं करते हैं? सीक्रेट रिजर्व, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व या ऑल ऑफ द अबव। सीक्रेट रिजर्व जो छुपा हुआ रिजर्व हमारे पास होता है वो बैलेंस शीट में हम शो नहीं करते हैं, बाकी जो जनरल होगा या कैपिटल रिजर्व बैलेंस शीट में हम शो करते हैं। आपको लग रहा है ये इजी क्वेश्चन है लेकिन इसमें भी आप कंफ्यूज हुए होंगे डेफिनेटली। विच लाइबिलिटी इज नॉट इंक्लूड इन द टोटल ऑफ बैलेंस शीट, कौन सा लाइबिलिटी बैलेंस शीट में इंक्लूड नहीं करता है, होता है? करंट लाइबिलिटीज, कंटिजेंट लाइबिलिटीज, फिक्स लाइबिलिटीज, ऑल ऑफ द अबव। आंसर कीजिएगा अगर आपको आंसर आता है, आपको लग रहा है इजी है कीजिएगा फिर आंसर। कौन सा लाइबिलिटी हम टोटल ऑफ बैलेंस शीट में इंक्लूड नहीं करते हैं? तो इसका आंसर है कंटिजेंट लाइबिलिटीज। कंटिजेंट लाइबिलिटीज हम इंक्लूड नहीं करते हैं बैलेंस शीट में। तो कंटिजेंट लाइबिलिटीज क्या होते हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड इन, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कहाँ पे रिकॉर्ड होते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? पहले ही लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी आप एक्सप्लेन कर चुका हूँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, बाकी आप वहाँ लेक्चर देख सकते हैं तो जान सकते हैं क्या होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकॉर्डिंग। मैनुफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ऑल ऑफ द अबव। हर एक में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करते हैं। इन केस ऑफ ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस, अगर आपने क्रेडिट बैलेंस ओपन कर दिया वो डैश डैश रिटन ऑन द क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड में हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन। बिल्कुल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये पार्ट इसका आंसर है। ये टर्म्स भी आपने याद रखना है, ये कहाँ पे यूज़ होता है, ये कहाँ पे इजी लग रहा है लेकिन क्वेश्चन आते हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर ट्रीटेड एज, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को हम कैसे ट्रीट करते हैं? फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स या मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर होते हैं। A company cannot issue redeemable preference shares for a period exceeding 10, 20, 30 and 50 years.
20 ईयर्स इसका कंपनी इशू नहीं कर सकती रिटर्न प्रेफरेंस शेयर, जब 20 ईयर्स ज़्यादा होंगे 20 ईयर्स के बाद ये शेयर एक्सीड शेयर इशू नहीं करते। द फॉलोइंग एरर विल अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, कौन से एरर ट्रायल बैलेंस पे अफेक्ट कर सकता है? एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन, एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन ट्रायल बैलेंस पे अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि अगर आपने एक साइड रिकॉर्ड किया ट्रांजेक्शन एक साइड नहीं किए तो एरर पार्शियल एरर होगा, तो ये ट्रायल बैलेंस पे अफेक्ट करेगा, क्योंकि टोटल क्रेडिट इज इक्वल टू डेबिट बराबर नहीं आएगा ट्रायल बैलेंस में, इसलिए अफेक्ट करेगा ट्रायल बैलेंस को। इनकम इंक्लूड्स इनकम अर्नड, इनकम रिसीव्ड, इनकम रिसीवेबल, ऑल ऑफ द अबव, इनकम अर्नड भी, इनकम रिसीव्ड और इनकम रिसीवेबल। कैश अकाउंट इज़ अ, कैश अकाउंट कौन सा है? बिल्कुल ईजी है, रियल अकाउंट है। हाई अमाउंट स्पेंट फॉर द एडवर्टाइजमेंट ऑफ न्यू कंपनी प्रोडक्ट इज, हम बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं एडवर्टाइज का, अपनी कंपनी को एडवर्टाइज करने के लिए, किसी भी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने के लिए, जैसे कि टूथपेस्ट वगैरह, कोई कंपनी पेस्ट टूथपेस्ट या सॉक्स या शूज़ जो एडवर्टाइज करते हैं, बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं, तो कौन सा एक्सपेंडिचर होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इधर ए एंड सी, बिल्कुल डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? ये एक ऐसा एक्सपेंडिचर था विच इज़ रेवेन्यू इन नेचर एंड इनक्लूड ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड विच इज़ बेनिफिट्स आर टू बी डिवाइडेड इन मल्टीपल फ्यूचर, हम फ्यूचर में मतलब बहुत सारे ईयर्स में हम इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, लेकिन हम ये पहले जब हम स्पेंड करते हैं फिर बाद में फ्यूचर में हमें बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है कई सालों तक। लाइबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंटेड इज, लाइबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंटेड क्या है? कंटिजेंट लाइबिलिटी, फिक्स्ड लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, नन ऑफ द अबव, कंटिजेंट लाइबिलिटी। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज कैलकुलेटेड ऑन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज कैलकुलेटेड ऑन, डिबेंचर्स पे जो इंटरेस्ट लगता है उस किस पे कैलकुलेट करते हैं? परचेज वैल्यू डिबेंचर्स, मार्केट वैल्यू डिबेंचर्स या फेस वैल्यू डिबेंचर्स? बिल्कुल फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स पे, सी पार्ट इसका आंसर है। द पार्टीज टू जॉइंट वेंचर आर कॉल्ड फ्रेंड्स, प्रिंसिपल एंड एजेंट, पार्टनर्स या डी, आंसर कीजिएगा। तो इसका आंसर है को वेंचर्स होते हैं। अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड डेप्रिसिएशन, हम कांस्टेंट रखते हैं या इंक्रीज करते हैं एवरी ईयर या डिक्रीज करते हैं? बिल्कुल हम डिक्रीज करते हैं। अब अकॉर्डिंग टू डिमिनिशिंग, डिमिनिशिंग ही वर्ड ऐसे तो डिक्रीज एवरी ईयर। लीगल एक्सपेंस इन कोर्ट ऑन अ सूट फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई गुड्स इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बहुत रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, सी पार्ट इसका आंसर। नो जर्नल एंट्री इज रिक्वायर्ड टू बी पास्ड व्हेन देयर इज, कब हम जर्नल एंट्री पास नहीं करते? कब? जब चोरी की हो गई या नॉर्मल लॉस हुआ या लॉस ऑफ बैड डेबिट से या एबनॉर्मल लॉस ऑफ बिजनेस, बी पार्ट आंसर है। नॉर्मल लॉस जब होगा तो जर्नल एंट्री हम पास नहीं करते, जब चोरी से मतलब लॉस हुआ या बैड डेबिट से या एबनॉर्मल लॉस, तो हम उनकी जर्नल एंट्री पास करते हैं। There must be a gap at least 8 months between two calls. 3162. बिल्कुल 1 month gap होना चाहिए। Difference of total of debt and credit side of a trial balance is transferred to suspense difference. बिल्कुल ये part इसका आंसर है। Suspense account में जब difference आता है between credit and debit, तो उसको हम suspense account में डालते हैं। म्यूनसिपल टैक्स रुपीज़ 6000 अंडर डिस्प्यूट इज, म्यूनसिपल टैक्स है 6000, ये कौन सा लाइबिलिटी है या कौन सा एक्सपेंडिचर है? करंट लाइबिलिटी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, करंट एसेट्स, तो बिल्कुल ये कंटिजेंट लाइबिलिटी होती है। मैंने बताया कि कंटिजेंट लाइबिलिटी क्या होती है, आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। जॉइंट वेंचर अकाउंट इज, जॉइंट वेंचर अकाउंट कौन सा अकाउंट है? आया हुआ क्वेश्चन है, सेंट्रल लेवल पे एक एग्ज़ाम होते हैं उसी में ये क्वेश्चन आया हुआ था। जॉइंट वेंचर अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, एक बिल्कुल ये एक नॉमिनल अकाउंट है, इसमें वगैरह एक्सपेंसेस वगैरह जो रिकॉर्ड होते हैं दैट इज कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट।
कैपिटल एक्सपेंडिचर आर रिकॉर्ड इन द कैपिटल एक्सपेंडिचर हम किस में रिकॉर्ड करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट या दबो बैलेंस शीट। रिकवरी ऑफ बैड डेब्ट इज, जब हम बैड डेब्ट को रिकवर करेंगे तो क्या है ये बैड डेब्ट, क्या होता है ऐसे कर्ज जो हमने सोचा कि डूब गया वापस मतलब रिकवर होने की चांसेस बहुत कम है, दैट इज कॉल्ड बैड डेब्ट। जब वो रिकवर हो गया तो ये क्या है हमारे पास, हमारे लिए क्या है, रेवेन्यू रिसेप्ट है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, डेफर्ड एक्सपेंसेस है, कैपिटल रिसेप्ट है। बिल्कुल एक रेवेन्यू रिसेप्ट, एक तरह का रेवेन्यू है हमारे पास, क्योंकि हमने सोचा कि ये डूब गया लेकिन फिर रिकवर हुआ, दैट इज हमारे पास एसेट आया यानी रेवेन्यू रिसेप्ट, हमारे पास रेवेन्यू आया। बिल रिसीवल रिसीवेबल इज, बिल रिसीवेबल क्या होता है, इनटेंजिबल फिक्स एसेट, इनटेंजिबल फिक्स एसेट, करंट एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, सी पार्टी करंट एसेट्स होते हैं। बिल रिसीवेबल, जब हम बिल रिसीव करते हैं तो करंट एसेट्स होगा हमारे पास, क्योंकि विद इन वन ईयर हम उसको मतलब पे या रिसीव करते हैं। द पार्टी हु सेंड द गुड्स फॉर सेल्स ऑन फिक्स्ड कमीशन बेस्ड इज नोन एज, ऐसी पार्टी जो गुड्स को सेंड करते हैं सेल के लिए फॉर फिक्स्ड कमीशन तो क्या कहलाते हैं, ड्रॉअर, ड्राई, बाई या कंसाइनर। बिल्कुल कंसाइनर होते हैं। इंडोर्समेंट, डिस्काउंटिंग एंड कलेक्शन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज मेड बाई, इंडोर्समेंट, डिस्काउंट, कलेक्शन कौन बनाता है, डेटर्स, क्रेडिटर्स, ड्राई या ड्राइवर, ड्राइवर बनाता है। ये 30 क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी इसमें रिटन की हुई है मैंने, तो आप एक्सप्लेनेशन वहीं से देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और ऊपर से रिस्पॉन्स भी अच्छा नहीं मिलता आजकल। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।